अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? दिस इज मी वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। तो कुछ देर पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया, उसमें बोला था कि अगर आप देखना चाहते हो 24 के गोल्ड सीरम कैसे बनता है तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। तो उसके बाद मुझे DM मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज़ जल्दी से 24 के गोल्ड सीरम बनाना सिखा दो। तो आज मैं आप लोगों को वही सीरम बनाना सिखाने लगा हूँ कि कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, कोई महंगा तरीन नहीं है। लेकिन मैंने कुछ ऑनलाइन पेजेस देखे जो कि बहुत महंगा तरीन 24 के गोल्ड सीरम बेच रहे हैं, लाइक डबल ट्रिपल फोर्थ मतलब 3 गुना ज़्यादा तक वो ज़्यादा कीमत ले रहे हैं उस एक्चुअल प्राइस से। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप लोगों को सिखाने लगा हूँ ये कैसे बनता है 24 के गोल्ड सीरम। तो साथ साथ मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताता जाऊँगा और ऐड भी करता जाऊँगा, आप लोगों के सामने सारा कुछ बनाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरम बनाना। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पर आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएँ ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कैरियर ऑयल्स की जरूरत होगी। तो पहला जो कैरियर ऑयल है वो है पंपकिन ऑयल, जिसे बोलते हैं रोकने कद्दू। तो ये पंसार की दुकान से ये मैंने 50 रुपये का लिया था, वो इतना कर था, पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ तो ये इतना कर है, आप देख सकते हो। तो ये पंपकिन ऑयल मतलब पंपकिन सीड ऑयल जिसको बोलते हैं रोकने कद्दू, आपको पंसार की दुकान से ईजिली मिल जाएगा। तो पहले ये मैं ऐड करने जा रहा हूँ किस इस चम्मच के हिसाब से, मैंने थोड़ा बनाना है ज़्यादा नहीं, तो मैं इस हिसाब से इसको ऐड करूँगा, आप देख सकते हो सिर्फ इतना सा, देख सकते हो कि सिर्फ मैंने इतना सा ही ऐड किया, इसे ज़्यादा नहीं करना ऐड। ठीक है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया पंपकिन ऑयल, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूँगा यार, ये बाद में ना मुझे स्टोर करने का मसला होगा तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऐड कर लिया कैरियर ऑयल एक, ठीक है, ऐड कर दिया पंपकिन ऑयल। देन हम इसमें ऐड करेंगे ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल हर घर में पड़ा होता है, हर घर की ज़रूरत है ये, तो ओलिव ऑयल हर घर में पड़ा होता है, हर घर की ज़रूरत है ये, तो मैं ओलिव ऑयल ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ओलिव ऑयल भी मैं इसमें इतना उसी ही क्वान्टिटी में ऐड करूँगा, आप देख सकते हो। तो एक ही चम्मच मैंने इसमें ओलिव ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है, 2 हमारे कैरियर ऑयल्स ऐड हो गए हैं जो कि एसेंशियल ऑयल के साथ इजीली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, देन हमें चाहिए 2 नरिशिंग ऑयल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल ऑयल्स में से सबसे लाइट ऑयल है, मतलब जो स्किन पे इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली फेस नहीं करता, मैट रहता है, तो ऑयली सबसे लाइट वेट है और ये नरिशिंग ऑयल जाना जाता है, तो इसलिए आलमंड ऑयल। ठीक है, तो आलमंड ऑयल भी मैं डालूंगा इसमें 1 चम्मच। तो अगर आप इन सीरम्स वगैरह को के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो ये आलमंड ऑयल आप यूज़ कर लिया करो। वैसे ही आलमंड ऑयल आपकी स्किन से क्या सारे रिंकल्स, पुराने स्कार्स के निशानात जो होते हैं उन सभी पुराने स्कार्स सॉरी जो होते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक ऑयल है आलमंड ऑयल। तो आलमंड ऑयल का 1 चम्मच ऐड किया, उसके बाद मैं ऐड करूँगा इसमें रोगने गुलाब का तेल। ठीक है, और रोज़ ऑयल जिसको बोलते हैं सॉरी, तो ये भी आपको पंसार की दुकान से 100 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगा इतना कर। तो मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ रोज़ ऑयल, तो ये रोज़ ऑयल इसमें मैं करूँगा ऐड 1 स्पून मैंने ले लिया सॉरी रोज़ ऑयल का और आलमंड ऑयल का। तो ये हमारे नरिशिंग ऑयल 2 ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारे ये 4 ऑयल्स हमने इसमें ऐड कर लिए, ज़्यादा ऑयल आपने ऐड नहीं करना। अब है बारी मेन समझ की, मतलब मेन सही इंग्रेडिएंट चूज़ करने की। देखो अक्सर आप लोगों को ऐसा होता है, कई लोगों को सीरम यूज़ करने के बाद फ़ायदा मिलने की बजाय उल्टा नुकसान मिल रहा होता है, लाइक बहुत से लोगों की स्किन सही होने के बजाय ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पिंपल्स बन जाते हैं, कलर डल हो जाता है। तो वो ये है कि इसलिए आप गलत एसेंशियल ऑयल का इंतखाब करते हो। मैं आपको बता दूं, जिनकी स्किन है ड्राई, ठीक है, वो यूज़ करेंगे लवेंडर ऑयल। लवेंडर ऑयल जिनकी स्किन है ऑयली एक्नी और एक्नी प्रोन स्किन, वो यूज़ करेंगे ऑरेंज ऑयल। तो मेरी है ऑयली और एक्नी तो नहीं है मेरे फेस पे, लेकिन ऑयली है तो इसलिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ऑरेंज ऑयल। तो इसमें मैं ऑरेंज ऑयल भी ऐड करूँगा ऑलमोस्ट 1 स्पून। यार ये गिरता है, तो ठीक है, मैंने ये इसमें 1 चम्मच ऐड कर दिया।
में ऑरेंज ऑयल, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो यूज करेंगे टी ट्री ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है या नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन है वो यूज करेंगे टी ट्री ऑयल, और एक्नी वाले भी, मतलब जिनको एक्नी होगी वो भी ये यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके सिर्फ एक से दो ड्रॉप ऐड करने हैं, वरना एक्नी वाले बेहतर है वो यही यूज करें कि इसमें ऐड, ये मैंने क्या पकड़ा हुआ, वो टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी टी ट्री ऑयल के सिर्फ दो से तीन ड्रॉप ऐड करूंगा, आपने ज्यादा नहीं करना ऐड, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे एक दो, बस दो ऑयल ड्रॉप्स मैंने सॉरी लैवेंडर और टी ट्री ऑयल के ऐड किए, क्योंकि मेरी अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है, अक्सर ऑयली हो जाती है, मुझे मेरी स्किन की नोयत आज तक नहीं समझ आई। गोल्ड पेपर सोने का, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐड कर दिया इसमें मैंने। अब मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है गुलाब का, सॉरी ये इस बहुत एहतियात के साथ आपने ये ऐड करना है, क्योंकि जब मैंने इसको खरीदा तो वहाँ पे मैंने ये दो लिए थे, तो एक मतलब पहली दफ़ा जब मैंने लिया तो मेरे फिंगर के साथ लग गया और वो वहीं पे वेस्ट हो गया। तो ये फिंगर के साथ जिस्म के साथ फौरन चिपक जाता है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आपने इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के साथ आपको अंदर से ये मिलेगा इस किस्म का, अरे ना मेरे जिस्म के साथ ना भाई, टच हो तेरी मेहरबानी। तो इस किस्म का अंदर से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसी में मैंने ऐड कर दिया, आप देख एक सेकंड, ये इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने कर दिया इसमें ऐड, ठीक है। तो अब मैं इसको इसी के साथ कर लूँगा मिक्स, आपने करना है इसको अच्छे से मिक्स, ताकि ये छोटे छोटे हिस्से में ये हो जाए। तो हमारा तैयार हो चुका है 24 के गोल्ड सीरम। मैं आप लोगों को जार में डाल के दिखा देता हूँ, मतलब सॉरी अपनी वो ट्यूब जिसमें मैंने डालना है बोतल, उसमें मैं डाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने इतना कर सिरप बनाया है कि जो मेरे पास है जार उसमें वो इजीली आ सके। तो कोई इसमें मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स है, आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएंगे। तो मैं इसमें ऐड करके आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ठीक है। आने लगा हूँ इस अपने छोटे से जार में, इसमें आपको गोल्ड के नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा शेक करोगे तो ये छोटे हो जाएंगे इजीली परेशान। मेकअप करने से पहले सिर्फ इसके दो ड्रॉप्स फेस पे लगाए, और आपकी मेकअप जो बेस है देखिएगा किस जात की बनती है, ठीक है। तो इसमें आपको गोल्ड के नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हो इजीली नज़र आ रहा होगा। वैसे मैंने बिल्कुल माइनर से ऐड किया, मैं आप लोगों को बाद में ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, oh shit.